नीट एग्जाम जो भी बच्चे सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनडीए के द्वारा से देखिए क्या अप टू डेट आया है वो आपको गाइस मैं आप लोगों को सभी इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट करूंगा। और ये जो आप थंबनेल में देखा फेज टू फॉर्म भरना है, ये फेज टू फॉर्म क्या है और इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पूरा डिटेल जो है वो हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, और कब से फॉर्म भरना है ये भी हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहे और हमारे जो भी न्यू व्यूअर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए फेज टू जो एप्लीकेशन फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था नीट का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको नीट के द्वारा बुलेटिन जब जारी किया गया था उस समय भी आपको फॉर्म टू भरने के लिए आपको कहा गया था, यानी फेज टू भरना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा जो है इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्म कब आएगा, ये आपको कब भरना है, तो सेकंड फेज का जो फॉर्म है रिजल्ट आने से पहले आपको फिलअप करेगा। हो सकता है कि आपको 2 या 3 दिन में ये फॉर्म आपको रिलीज कर दिया जाएगा और वहां से जाके आपको पूरी तरह से फॉर्म में सही सही इंफॉर्मेशन भरना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन भरना है वो मैं आपको चलो अब बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके जो लिस्ट है वहाँ लिस्ट से मैं आपको बताता हूँ जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे और क्या आपको फिलअप करना है वो पूरा डिटेल मैं इसमें बता रहा हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल में आपको लिखना है, पहला इनकेस ऑफ द गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो अपने माँ बाप के सिर्फ इकलौते बेटी हैं वो आपको फिलअप करना है। आपका रेसिडेंस जहाँ है वो फिलअप करना है। किस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं 3 नंबर में वो फिलअप करना है। 4 नंबर में रिलीजियन माइनॉरिटीज फिलअप करना है। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको फिलअप करना है, किस मोड में आप प्रिपरेशन किए थे, प्लस आपको साथ साथ पास का स्टेटस। देखिए अब यहाँ पर एजुकेशन अगर आप देखें क्लास कॉलम नंबर 6 से एजुकेशन डिटेल आ जाता है जो पास स्टेटस बताता है। सेकंड में आपको ईयर ऑफ फेज पासिंग या अपेयरिंग बता रहा है वो फिलअप करना है। 8 नंबर में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जो है वो आपको बता देना है। यहाँ भी सारे जो डिटेल भरेंगे वो 10 क्लास के भरेंगे, ठीक है। यहाँ 6 नंबर से जो शुरू हो गया वो 10 क्लास का पूरा है, आपका टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्वालिफाइंग स्टेट ये सारा आपको डिटेल आपको फिलअप करना है। फिर अगर आप आते हैं अभी 10 का ही देखिए आपको डिटेल देना है, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, स्कूल बोर्ड बताना है, रिजल्ट का मोड क्या था वो आपको बताना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपका था ग्रेड पॉइंट क्या था वो बताना है, प्लस मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट CGP ऑप्टेन आपने किया था, CGP का क्या पोजीशन था, टोटल मार्क्स आपके क्या थे और मार्क्स क्या आपने ऑप्टेन किया वो भी आपको डिटेल देना है, और साथ ही साथ क्या है मार्क्स का परसेंटेज बताना है और क्लास 10 का रोल नंबर आपको बताना है, साथ ही साथ आपके स्कूल कॉलेज का नेम एड्रेस भी आपको फिलअप करना है। यहाँ 23 में स्कूल कॉलेज का पिन कोड तक भरना है जो क्लास 10 तक का भरना है। अब 11 का एजुकेशन डिटेल भी आपको उसी तरह से देना है, पास स्टेटस ईयर ऑफ पासिंग या पेयरिंग क्वालिफिकेशन प्लेस ऑफ स्कूलिंग टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज ये सारे रिजल्ट जो जिस तरह आपने 10 का फिलअप किया है उसी तरह से आपको 11 का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको फेज टू में पूरी तरह से भरना है। एडिशनल जो है आपको देना होगा, खास करके एडिशनल जो आपको देना है वो है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, फादर का यहाँ पर आप पेरेंट्स का इनकम डिटेल देना है। अभी हम आपको के बताएंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहली बात इसलिए फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का क्या है, अगर मदर फादर नहीं है या फिर आपका कोई गार्जियन है तो उनका पूरा डिटेल यहाँ फिलअप करना है पेरेंट्स इनकम डिटेल में। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी आपके माइनॉरिटी जिस बिलोंग आप कर रहे थे वहाँ आपको देना होगा, पर्सनल विद डिसेबिलिटी अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा, साथ साथ आपको 10th का सर्टिफिकेट लगेगा और सिटीजन सर्टिफिकेट भी आपका साथ साथ लगेगा। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लोड करना है। सो गाइस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद जय भारत।